हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमनास किचन। दिस इज़ मी अमना सईद और आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ बड़ी ही ज़बरदस्त सी यम्मी सी होममेड चॉकलेट सॉस की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होता है बिल्कुल बाहर की तरह। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक ज़रूर देना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कर लेना। वहाँ पर मेरे लिंक्स होते हैं इंस्टा के, स्नैक के और एफबी के, तो वहाँ पर भी जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया था 3 टेबलस्पून शुगर एक बाउल में, और क्वांटिटी आपने सेम ही रखनी है जितनी मैं रख रही हूँ उतनी। तो 3 टेबलस्पून जब आप शुगर ऐड कर दोगे तो उसके बाद आपने ऐड करना है 3 टेबलस्पून लेवल कोको पाउडर, कोई सी भी अच्छे ब्रांड का कोको पाउडर यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद आपने ऐड करना है, जब आप 3 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर दो तो लास्ट में 1 टेबलस्पून भर के आपने कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च या अरारोट भी जिसको बोला जाता है वो ऐड करना है। और देन आपने 1/2 कप मिल्क लेना है और उससे अच्छे से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि कोई भी जो है गुठली या कोई भी जो है लम्स बाकी ना रहे इसके अंदर। बहुत अच्छे से आपने इसको विक्स की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हम पहले से मिक्स इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है पकने में जो है कोई भी लम्स या इसकी जो गुठलियाँ बन जाती हैं वो ना बने। तो अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया है, तो अब क्या करा है मैंने इसको डालने के बाद फ्लेम ऑन कर लिया और बस इसको इसी तरह से चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। और बिल्कुल लास्ट आपने आंच रखनी है, आंच ज़रा सी बढ़ाई तो ये जो है फ़ौरन से थिक होता है, तो क्या होगा कि आपकी गुठलियाँ बन जाएंगी। उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने इसको इसी तरीके से चलाते रहना है, जब ये हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। ठीक, तो बटर ऐड करने के बाद आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करके बटर इसलिए हम ऐड करते हैं, इसको निकाल लेना है, ये रेडी है। बटर इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जो है बटर से एक अच्छी सी शाइन आ जाती है, जैसे कि बाहर से हम चॉकलेट सॉस लेते हैं ना तो शाइन आती है, इसी तरीके की शाइन ज़बरदस्ती आ जाती है। तो यहाँ पे देखो हमारा चॉकलेट सॉस ज़बरदस्त सा बन के बिल्कुल तैयार है, और ये अभी गर्म था तो इसको हल्का सा ठंडा करेंगे और फिर इसको जार में सेव करके रख देंगे। तो जब आपको इसको निकालना हो निकालो, इसको ट्राई करो, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चॉकलेट सॉस बन के तैयार है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे दुआओं में याद रखना ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।